ओम शांति। 23/1/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के ज्ञान मुरली का सार है, निराकार शिव परमात्मा ने कहा, मीठे बच्चे, पवित्रता बिना भारत स्वर्ग बन नहीं सकता। तुम्हें श्रीमत है, घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो, दोनों तरफ तोड़ निभाओ। प्रश्न है मुरली का, दूसरे सत्संगों व आश्रमों से यहाँ की कौन सी रसम बिल्कुल न्यारी है? उत्तर में बाबा ने कहा, उन आश्रमों में मनुष्य जाकर रहते हैं, समझते हैं संग अच्छा है, घर आदि का हंगामा नहीं है, एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, परंतु यहाँ तो तुम मर्जीवा बनते हो, तुम्हें घर बार नहीं छुड़ाया जाता। घर में रह तुम्हें ज्ञान अमृत पीना है, रूहानी सेवा करनी है। यह रसम उन सत्संगों में नहीं है। सत्संगों में हमें रूह का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान नहीं मिलता और वहाँ परमात्मा का कोई रोल नहीं होता है ना, तो रूहानी सेवा वहाँ नहीं चलती। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि यहाँ बाप ही समझाते हैं, इसलिए घड़ी घड़ी शिव भगवान वाच कहना भी अच्छा नहीं लगता। वह गीता सुनाने वाले कहेंगे कृष्ण भगवान वाच, वह तो होकर गए हैं। कहते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई थी, राजयोग सिखाया था। यहाँ तो तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं और कोई सत्संग नहीं जहाँ राजयोग सिखाते हो। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, वह तो सिर्फ कहेंगे कृष्ण भगवान बाज मन मना भव कब कहा था। तो कहते हैं 5000 वर्ष पहले व कोई कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष नहीं कहते, क्योंकि 1000 वर्ष जो बीच में है उसमें इस्लामी बौद्धी आए हैं। तो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग सिद्ध हो जाता है। हम कहते हैं आज से 5000 वर्ष पहले गीता सुनाने वाला भगवान आया था और आकर देवी देवता धर्म स्थापन किया था। अब 5000 वर्ष बाद फिर से उनको आना पड़े, यह है 5000 वर्ष का चक्र। बच्चे जानते हैं कि यह बाप इस द्वारा समझा रहे हैं या ब्रह्मा के द्वारा। दुनिया में तो अनेक प्रकार के सत्संग हैं जहां मनुष्य जाते हैं, कोई आश्रमों में जाकर रहते भी हैं तो उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता पास जन्म जाए जन्म लिया व उनसे कोई वर्षा मिलता है, नहीं, सिर्फ वह संग अच्छा समझते हैं, वहां घर आदि का कोई भी हंगामा नहीं होता, बाकी एम ऑब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो तुम कहते हो हम माता पिता के पास आए हैं, यह है तुम्हारा मर्जी व जन्म। वह लोग बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो वह जाकर उनका घर बसाता है। यहाँ वह रसम नहीं है कि पियर घर ससुर घर को छोड़ यहाँ आकर बैठे, गृहस्थ को छोड़ने का या जिस भी ड्रामा में आप हैं उसे छोड़ने बाबा नहीं कहते। बाबा तो वहीं रह करके दो तरफा तोड़ निभाओ, एक तोड़ जो आप जिस ड्रामे में है उसका भी, और पवित्रता को धारण कर परमात्मा की श्रीमत पर चल। आपको क्या करना है, दोनों तोड़ निभाना है। तो ऐसे नहीं कि ससुर घर छोड़ दो, पियर घर छोड़ दो और यहाँ आकर बैठे, यह हो नहीं सकता। यहाँ तो गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है, कुमारी है वा कोई भी है, अर्ध कुमारी हो, कुमारी हो, कुमार हो, उनको कहा जाता है घर में रह रोज ज्ञान अमृत पीने आओ, नॉलेज समझकर फिर औरों को समझाओ, दोनों तरफ तोड़ निभाओ। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, अंत तक दोनों तरफ निभाना है, अंत में यहाँ रहें या वहाँ रहें, मौत तो सभी का आना है। कहते हैं राम गयो रावण गयो, तो ऐसे नहीं कि सभी को यहाँ आकर रहना है।
यह तो निकलते तब हैं जब विष के लिए उन्हों को सताया जाता है, कन्याओं को भी रहना घर में है। बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा के पास जो बच्चे आकर के रहते हैं ना, तो उनको विकार के लिए विष, बाबा ने किसे कहा विकार को, जब विष के लिए उन्हें सताया जाता है ना, तो वो घर से निकल जाते हैं ना। कन्याओं को भी रहना घर में है, मित्र संबंधियों की सर्विस करनी है, सोशल वर्कर तो बहुत है, गवर्नमेंट इतने सबको तो अपने पास रख नहीं सकती। गवर्नमेंट के जो भी नौकर हैं, सोशल वर्कर हैं हद के, वो गवर्नमेंट के पास तो जा करके नहीं रहते ना, तो बाबा कहते रह ही नहीं सकते, तो वह अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, नौकरी करने जाते हैं है ना, तो फिर कोई ना कोई सेवा भी करते हैं। यहाँ तुमको रूहानी सेवा करनी है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। हाँ, जब विकार के लिए बहुत तंग करते हैं तो आकर ईश्वरीय शरण लेते हैं। यहाँ विष के कारण बच्चियां मार बहुत खाती हैं और कहाँ भी यह बात नहीं है, यहाँ तो पवित्र रहना पड़ता है। गवर्नमेंट भी पवित्रता चाहती है, परंतु गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनाने की ताकत ईश्वर में ही रहती है। समय ऐसा है जो गवर्नमेंट भी चाहती है कि बच्चे जास्ती पैदा ना हो, क्योंकि गरीबी बहुत है, तो चाहते हैं भारत में पवित्रता हो, बच्चे का। बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, यह बात उन्हों की बुद्धि में नहीं है। भारत पवित्र था, अभी अपवित्र है। बाबा हमें स्मृति देख करके जाते हैं, जब हम खुद को लाइट देखते हैं ना, तो हम सबको लाइट देखते हैं, और जब हम सबको लाइट देखते हैं ना, तो हमारे जो स्मृति होती है ना, इसको नहीं देखती है, यहां देखती है। तो बाबा हमें जो संगम युग पर ये स्मृति आकर के दिलाते हैं, तो ये स्मृति हमारे साथ में 2500 वर्ष अर्थात आधा कल्प चलती है। सतयुग और त्रेता में आत्मा आत्मा को देखती है, और उस आत्मिक स्मृति की वजह से आपस में प्रेम रहता है, भेद नहीं होता, क्योंकि हम एक परमात्मा की संतान, वह संगम पर परमात्मा हमें यह स्मृति दिलाते हैं। लेकिन हम यह स्मृति लेकर के, इसकी प्रारब्धि प्राप्ति को लेकर के सुख हम जब भोगते हैं, तो हम आत्मा ही निश्चय करके शरीर के द्वारा पार्ट बचाते हैं, और इसीलिए आत्मिक स्नेह होने की वजह से आपस में कोई विकार नहीं होते। जब हम विस्मृति में चले जाते हैं, तो हमें यह सब दिखाई देने लग जाते हैं, कारे काले गोरे का भेद दिखाई देने लग जाता है, ऊंच नीच, यह सब नियम जो रूल है वह सब मनुष्यों के बनाए हैं। परमात्मा ने तो जो रूल बनाया है, वो रूल है लाइट देखो और लाइट महसूस करो और लाइट सामने साक्षी होकर के देखो, और जो हम यहाँ बन जाते हैं, फिर उसकी प्रारब्धि प्राप्ति हमें आधे कल्प रहती है। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, यह बात उन्हों की बुद्धि में नहीं है। भारत पवित्र था, अभी अपवित्र है। सभी आत्माएं खुद भी चाहती हैं कि पवित्र बने, यहाँ दुख बहुत है। तुम बच्चे जानते हो कि पवित्रता बिगर भारत स्वर्ग हो नहीं सकता, नरक में है ही दुख। अब नरक तो और कोई चीज नहीं, जैसे गरुण पुराण में दिखाते हैं बैतरणी नदी है जिसमें मनुष्य गोते खाते हैं, ऐसे तो कोई नदी है नहीं जहाँ सजाएं खाते हो। सजाएं तो गर्भ जेल में मिलती हैं, सतयुग में तो गर्भ जेल होता नहीं जहां सजाएं मिले, गर्भ महल होता है। इस समय सारी दुनिया जीती जागती नरक है, जहां मनुष्य दुखी रोगी हैं, कोई भूखा है तो किसी के पास इतना अत्यधिक है कि उसके घर में जो कुत्ता है वह भी दूध रोटी से पाल रहा है ना, उसके लिए भी एक अलग से बाजार से ना जाने कितना महंगा फूड लाया जाता है उसे
मजबूत और शक्तिशाली और स्वस्थ बनने के लिए, बनाने के लिए। और दूसरी तरफ गार्बेज में से, कचरे में से मनुष्य आत्माएं, इतनी गरीबी है कि वो कचरे का उठा करके खाना खाते हैं। जहां इस तरह की कोई भुखमरी नहीं है, जब सूरज को गर्मी देना है जितनी चाहिए उतनी ही देगा, जब चांदनी रात चांद जितनी शीतलता देनी है उतनी ही देना है, जो चार मौसम है ना, एक बसंत ऋतु भी है ना, तो चार मौसम पांच मौसम जो हैं वो बिल्कुल इक्वल, जितना जरूरत है उतना ही सत्व प्रधान अवस्था होती है, सब सुख देने वाले होते हैं पांच तत्व भी। तो ऐसी दुनिया को सुख की दुनिया कहा जाता है, और जहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई विधवा नहीं, कोई भूखा नहीं, कोई प्यासा नहीं, तो ऐसा संसार होगा तो सुखी कहेंगे ना। और ये है दुख की दुनिया। तो यहाँ मनुष्य दुखी रोगी हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं, स्वर्ग में यह कुछ होता नहीं। अब बाप समझाते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, मैं रचयिता हूँ, तो जरूर स्वर्ग नई दुनिया रचूंगा, स्वर्ग के लिए आदि सनातन देवी देवता धर्म रचूंगा, कहते हैं तुम मात पिता। कल्प कल्प यह राजयोग सिखाया था ब्रह्मा द्वारा, बैठ सभी वेद शास्त्रों के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, बिल्कुल अनपढ़ को बैठ पढ़ाते हैं। तुम कहते थे ना, हे भगवान आओ, पतित तो वहां जा ना सके, कोई भी मनुष्य आत्मा पतित होकर के तो वहां जा नहीं सकती, तो पावन बनाने लिए उनको जरूर यहाँ आना पड़े, और जो पावन है वही पावन का पाठ पढ़ा सकता है, जो जन्म में आता है मरण में आता है उससे तो कोई पावन बनेगा नहीं, वो किसी को पावन बना भी नहीं सकते। तो जो पतित पावन बाप है, जो एवर प्योर है, उसे जरूर आना पड़े। तो बच्चों को याद दिलाते हैं कि कल्प पहले भी तुमको राजयोग सिखाया था। पूछा जाता है कि आगे कभी यह नॉलेज ली है, तो कहते हैं हाँ, 5000 वर्ष पहले हमने यह ज्ञान लिया था। यह बात भी हमें कौन बताते हैं? स्वयं परमात्मा। तो यह बातें हैं नई, नया युग नया धर्म फिर से स्थापन होता है, सिवाय ईश्वर के यह देवी धर्म कोई स्थापन कर नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वह देवताएं स्वयं रचना हैं, और रचना रचना रचता नहीं, रचता रचना है ना। तो रचना खुद की रचना कैसे कर सकता है, या रचना से वर्षा कैसे मिल सकता है? तो जो रचता है वो रचेगा ना रचना को। तो स्वर्ग का रचयिता मात पिता चाहिए, तुमको सुख घनेरे भी यहाँ चाहिए। बाप कहते हैं रचता मैं भी हूँ, तुमको भी ब्रह्मा मुख द्वारा मैंने रचा है, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। भल कोई कितना भी बड़ा साधु संत आदि हो, परंतु किसके भी मुख से ऐसे नहीं निकलेगा, यह है गीता के अक्षर। बाबा कहते परंतु जिसने कहा है वही कह सकता है, दूसरा कोई कह ना सके। सिर्फ फर्क यह है कि निराकार के बदले श्री कृष्ण को भगवान कह देते हैं, और वह तो खुद मेरी रचना है। श्री कृष्ण की आत्मा तो खुद ब्रह्मा के तन में है, और वह खुद पुरुषार्थी आत्मा है। और कृष्ण जब होता है तब इस पढ़ाई की दरकार ही नहीं होती है, तो उसके पास ये ज्ञान ही नहीं, तो वो आकर देंगे कैसे? और सतयुग का प्रिंस द्वापर में आ कैसे सकता है? तो श्री कृष्ण को भगवान कह देते हैं, बाप कहते हैं वह भगवान नहीं है ना, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कौन है? परमात्मा है। तो बाबा कहते हैं यह फर्क है, बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का जो
हूँ बिजरो, तो परम धाम में रहने वाला निराकार परमात्मा हूँ। तुम भी समझ सकते हो, साकार मनुष्य तो अपने को बीज रूप कह ना सके, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं कह सकते। यह तो जानते हैं कि सबको रचने वाला शिव बाबा है, मैं देवी धर्म की स्थापना कर रहा हूँ ऐसे कहने की भी कोई में ताकत नहीं। भल अपने को श्री कृष्ण कहलाएं, ब्रह्मा कहलाएं, शंकर कहलाएं, बहुत अपने को अवतार भी कहलाते हैं कि मैं फलाने का अवतार हूँ, परंतु है सब झूठ, दंत कथाएं। यहाँ आकर जब सुनेंगे तो समझेंगे बरोबर बाप तो एक है, अवतार भी एक है। वह कहते हैं मैं तुमको साथ ले जाऊंगा, ऐसे कहने की भी कोई मैं ताकत नहीं। 5000 वर्ष पहले भी गीता का भगवान शिव बाबा ने कहा था, जिसने ही आदि सनातन धर्म की स्थापना की थी वही अब कर रहे हैं। गाया हुआ भी है मच्छरों सा दृश्य आत्माएं गई, तो बाप गाइड बन सभी को आए लिबरेट करते हैं, दुख से छुड़ाने वाला भी एक है लिबरेटर। तो अब कलयुग का अंत है, उसके बाद सतयुग आना है, तो जरूर आकर पवित्र बनाए, पवित्र दुनिया में ले जाएगा। गीता में कुछ ना कुछ अक्षर हैं, समझते हैं इस धर्म के लिए शास्त्र तो चाहिए ना, तो गीता शास्त्र बैठ बनाया है। सर्व शास्त्र मई शिरोमणि नंबर 1 माता, परंतु नाम बदल दिया है। बाप जो इस समय एक्ट करते हैं वह थोड़े ही द्वापर में लिखेंगे, गीता फिर भी वही निकलेगी। ड्रामा में यही गीता नुंधी हुई है, जैसे बाप फिर से मनुष्य को देवता बनाते हैं वैसे शास्त्र भी बाद में कोई फिर से बैठ लिखेंगे। सतयुग में कोई शास्त्र नहीं होगा, बाप सारे चक्र का राज बैठ समझाते हैं। तुम समझते हो हमने यह 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं, जो आदि में आएंगे वही मैक्सिमम जन्म लेंगे, तो बाकी मनुष्यों की तो बाद में वृद्धि होती है। बाबा ने पहले भी कहा कि सबसे जास्ती 84 जन्म और फिर एक या दो जन्म भी होते हैं। और एक बात और क्लियर बाबा ने करी है कि जो धुनी लगाकर या जो कहना चाहिए कि पवित्र नदियां जिनको नाम दिया गया है, घाट पर जो बैठे रहते हैं और बार बार मुक्ति 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 करते रहते हैं, तो मिनिमम उन्हीं के जन्म होते हैं, क्योंकि जो आत्माएं मुक्त अवस्था में ज़्यादा समय के लिए शांति धाम में रहती हैं वो आखिर में आती हैं, इसीलिए वो ज़्यादातर मुक्ति को याद करती हैं, है ना। तो यह बात भी बाबा ने क्लियर करी है। बाबा कहते हैं सबसे जास्ती जो है वो 84 जन्म है, बाकी मनुष्यों की तो बाद में वृद्धि होती है, वह थोड़े ही इतने जन्म लेंगे। बाप इस ब्रह्मा मुख से बैठ समझाते हैं, यह जो दादा है जिसका हमने तन लोन लिया है वह भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे, यह है व्यक्त प्रजा पिता ब्रह्मा, वह है अव्यक्त, है तो दोनों एक। तुम भी इस ज्ञान से सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ते बन रहे हो। सूक्ष्म वतन वासियों को फरिश्ता कहते हैं क्योंकि हड्डी मांस नहीं है, है ना। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी हड्डी मांस नहीं है, फिर उन्होंने चित्र कैसे बनाते हैं, शिव का भी चित्र बनाते हैं, है तो वह स्टार, उनका भी रूप बनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म है, जैसे मनुष्यों का बनाते हैं वैसे शंकर का तो बना ना सके क्योंकि उनका हड्डी मांस का शरीर तो है नहीं, हम तो समझाने लिए ऐसे ऐसे स्थूल बनाते हैं, परंतु तुम भी देखते हो कि बहुत सूक्ष्म है। अच्छा मीठी मीठी सी की लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा आज रात्रि क्लास 13/7/68
रात्रि क्लास है। मनुष्य दो चीज को जरूर चाहते हैं, एक है शांति और दूसरा है सुख। विश्व में शांति व अपने लिए शांति, विश्व पर सुख व अपने लिए सुख की चाह रहती है मनुष्यों को। तो पूछना होता है कि अभी अशांति है तो जरूर कब शांति हुई होगी, परंतु वह कब कैसे होती है, अशांति क्यों हुई, यह कोई को ही पता नहीं है। पता ही नहीं है क्योंकि घोर अंधियारे में है। तुम शांति और सुख के लिए सबको बहुत अच्छा रास्ता बताते हो तो सुनकर उन्हें खुशी होती है, लेकिन जब सुनते हैं पावन भी बनना है तो ठंडे पड़ जाते हैं। यह विकार है सभी का दुश्मन और फिर सभी का प्यारा है। देखो, दुखी किस बात से हुए, कौन सा कारण था, विकार। दुश्मन सबसे बड़ा कौन है, महाशत्रु, विकार। और फिर प्यारा कौन लगा, सबसे प्यारा, विकार। तो इसको छोड़ने में हृदय विदीर्ण होता है, नाम भी है विष, फिर भी छोड़ते नहीं है। तुम कितना माथा मारते हो फिर भी हार खा लेते हैं। सारी पवित्रता की ही बात है, इनमें बहुत फेल होते हैं। कोई कन्या को देखा तो आकर्षण होती है, क्रोध व लोभ व मोह की आकर्षण नहीं होती है। काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाना महावीर का काम है। महावीर आत्माएं कौन है, जो काम महाशत्रु पर क्या पाए, जीत। इसीलिए फिर उनको महावीर कहा। तो जीत पाना महावीर का काम है। बाबा कहते देह अभिमान के बाद पहले काम ही आता है। बाबा ने क्या कहा, जो महाशत्रु है वो आकर्षण करता है, है ना। बाबा कहते हैं कोई कन्या को देखते तो सारी पवित्रता की बात खत्म हो जाती है और आकर्षण। लेकिन क्रोध व लोभ मोह यह आकर्षण नहीं करते अपनी ओर, है ना। तो देह अभिमान के बाद पहले काम ही आता है। इन पर जीत पाने हैं, जो पवित्र है उनके आगे अपवित्र काम ही मनुष्य नमन करते हैं, है ना। कन्या जब विवाह से पहले क्या सब नतमस्तक होते हैं, फिर विवाह के बाद वो पतित बन जाती है विकारों की वजह से, फिर वो सबको नमन करती है। तो बाबा कह रहे हैं जो पवित्र होते हैं उनके आगे अपवित्र कामी मनुष्य नमन करते हैं, है ना। कहते हैं हम विकारी आप निर्विकारी, ऐसे नहीं कहते हम क्रोधी लोभी, है ना। मंदिरों में जो विराजमान है जड़ चित्र, जो पूर्वज होकर के आत्माएं तो अभी है नहीं है, तो वो तो जड़ चित्र है, तो उनको उनकी में भी भासना आती है क्योंकि वो पवित्र आत्माएं होकर गई ना, तो उनके जड़ चित्रों में भी वो भासना होती है। तो देखो कहते हैं ना, गाते हैं तुम निर्विकारी मैं मूर्ख, है ना। तो इस तरह से ऐसे नहीं कि हम क्रोधी लोभी हैं। तो सारी बात विकार की है, शादी करते ही है विकार के लिए। यह फुरना रहता है माँ बाप को, बड़े हों तो पैसा भी देंगे विकार में भी जाएंगे, विकार में ना जाए तो झगड़ा मच जाएगा। तुम बच्चों को समझाना होता है, यह देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे, तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट सामने है। नरसिंह नारायण राजाओं का भी राजा बनना है, चित्र सामने है। इसको सत्संग नहीं कहा जाता, यह पाठशाला है। सच्चा सत्संग सच्चे बाप के साथ तब हो जब सम्मुख राजयोग सिखावे। सत्संग का संग चाहिए, सत का संग, और सत तो एक ही है वो भी बेहद का। तो सत का संग चाहिए, वही गीता का ज्ञान देते हैं अर्थात राजयोग सिखलाते हैं। बाप कोई गीता सुनाते नहीं है। मनुष्य समझते हैं नाम है गीता पाठशाला तो जाकर गीता सुने, इतनी कशिश होती है। यह सच्ची गीता पाठशाला है जहां एक सेकंड में सदगति, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। तो पूछे सच्ची गीता पाठशाला क्यों लिखते हो, सिर्फ गीता पाठशाला लिखना कॉमन हो जाता है, सच्चे अक्षर पढ़ने में खेंच हो सकती है, शायद झूठी भी है तो सच्ची अक्षर जरूर लिखना पड़े। आजकल शॉप में भी लिखा रहता है शुद्ध की, क्योंकि अशुद्धता ज्यादा है तो शुद्ध लिखना पड़ता है। तो पावन दुनिया सतयुग को पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है, सतयुग में यह पावन थे। कैसे बने सो सिखलाते हैं बाप ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे। यह यात्रा समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है।
भक्ति मार्ग के दुबन में फंसे हुए हैं, भक्ति का भाव का बहुत है, यह तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्मृति में रखो, अभी वापस जाना है, पवित्र बनकर जाना है, इसके लिए याद में रहना है, बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको याद नहीं कर सकते, मुख्य बात यह है। सभी कहते हैं इसमें ही मेहनत है, बच्चे भाषण तो अच्छा करते हैं परंतु योग में रहकर समझाएं तो असर भी अच्छा होगा। बाबा कहते हैं याद में तुमको ताकत मिलती है, सत्व प्रधान बनने से सत्व प्रधान विश्व के मालिक बनेंगे, यह बाबा कहते याद को निष्ठा कहेंगे। कहेंगे क्या? याद को निष्ठा कहेंगे क्या? हम आधा घंटा निष्ठा में बैठे, यह रॉन्ग है। बाप सिर्फ कहते हैं याद में रहो, सामने बैठ सिखलाने की दरकार नहीं है। बेहद बाप को बहुत लव से याद करना है, उसके लव में लीन हो जाना है। देखो बाबा के समान बनना, बाबा कहते हैं बाप नहीं बन सकते, बाप समान बनना है। जैसे आपके पिता की जगह आप नहीं ले सकते, लेकिन आप पिता जरूर बन सकते, है ना, पिता समान पिता बन सकते हैं लेकिन बाप नहीं बन सकते हैं। तो यह समझने की बात है, बाबा से बेहद लव होना चाहिए और बहुत प्यार से याद करना है, क्योंकि बहुत खजाना देते हैं। याद से खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, अति इंद्रिय सुख फील होगा। बाप कहते हैं तुम्हारी यह लाइफ बहुत वैल्यूबल है, इसको तंदुरुस्त रखना है, जितना जिएंगे उतना खजाना लेंगे, खजाना पूरा तब मिलेगा जबकि हम सत्व प्रधान बन जाएंगे। मुरली में भी बल होगा, तलवार में जौहर होता है ना, तुम्हारे में भी याद का जौहर पड़े तब तलवार तीखी हो, ज्ञान में इतना जौहर नहीं है इसलिए किसको असर नहीं होता है। फिर उनके कल्याण लिए बाबा को आना है, जब तुम याद में जौहर भरेंगे तो फिर विद्वान आचार्य आदि को अच्छा तीर लगेगा, इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो। कई कहते हैं बाबा को बहुत याद करते हैं परंतु मुख नहीं खुलता, तुम याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे। अच्छा बच्चों को गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा घर में रहते भी रूहानी सेवा करनी है, पवित्र बनना और बनाना है। दूसरा, इस जीते जागते नरक में रहते हुए भी बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, वरदानी बाप को वरदान है। अपनी सर्व विशेषताओं को कार्य में लगाकर उनका विस्तार करने वाले सिद्धि स्वरूप भव, जितना जितना अपनी विशेषताओं को मनसा सेवा व वाणी और कर्म की सेवा में लगाएंगे तो वही विशेषता विस्तार को पाती जाएगी। सेवा में लगाना अर्थात एक बीज से अनेक फल प्रकट होना करना। इस श्रेष्ठ जीवन में जो जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में विशेषताएं मिली हैं उनको सिर्फ बीज रूप में नहीं रखो, सेवा की धरनी में डालो तो फल स्वरूप अर्थात सिद्धि स्वरूप का अनुभव करेंगे। स्लोगन है, विस्तार को ना देख सार को देखो और स्वयं में समालो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। विस्तार को ना देख सार को देखो और स्वयं में समालो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। अच्छा ओम शांति, शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का प्यार का, ओम शांति।